अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे लिप फिलर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने लिप्स को किस तरह से बड़ा दिखा सकते हो, और जो लिप फिलर्स लगवाते हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ बेनिफिट्स, और ढेर सारी बातें करेंगे इस बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह का दौर चल रहा है ना, इसमें सबको है कि मेरे लिप्स छोटे हैं, मेरा नाक पतला है, मेरा नाक मोटा है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा नाक सीधा है, उसको सीधा उल्टा, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करने में लगे रहते हैं। ठीक है कि जो नेचुरल चीज़ होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसका ये कि उसके ऊपर आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको केयर भी नहीं करनी पड़ती उस तरह से कि अगर ये मैंने काम किया है, ये मैंने ट्रीटमेंट लिया है, तो अब मुझे मजीद इसकी केयर करनी पड़ेगी। नेचुरल चीज़ जो होती है वो वैसे ही नेचुरल होती है, वो वैसे ही खूबसूरत लगती है। कुछ लोग फिर भी होते हैं, कहते हैं कि जी हमने करना ही करना है। तो ये डेफिनेटली इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए। तो अगर आप करना चाहते हो तो बेशक करो, सानू की। अच्छा जी, लिप्स को बड़ा करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक कि आप लिपस्टिक लेके उसको शेप अपने लिप्स को इस तरह से देते हो, लिप्स जो हैं वो बड़े बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ये होता है कि कोई बंदा भी सामने आता है वो नजर आ रहा होता है लिपस्टिक के साथ शेप दी हुई अपने लिप्स को, उस वजह से वो बड़े लग रहे हैं। जो क्रेजी है बड़े लिप्स को लेकर वो इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। नंबर टू है लिप फिलर्स। अब लिप फिलर्स सैलून पे भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। लिप फिलर करवाने का तरीका क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। डॉक्टर के पास चले जाए जो कि अच्छा डॉक्टर है, इसके अलावा किसी सैलून पे चले जाए तो वो आपको लिप फिलर की फैसिलिटी देते हैं, अच्छा खासा वो आपको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद आपकी टीके ठोकेंगे होंठों के अंदर, ठीक है, दो यहाँ, या जिस तरह भी उनका प्रोसेस होता है, वो आपको टीके लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप टीकों की पहले पेन सहेंगे, और पेन सहने के बाद आपके लिप्स जो है वो ऐसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रोसेस कि किस तरह से लिप फिलर्स किए जाते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है इसका, साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि ये जेब पे भारी है, काफी महंगा है। ठीक है, बट ये है कि अगर आपको लगता है कि लिप फिलर एक परमानेंट सोल्यूशन है तो यू आर रॉन्ग। लिप फिलर जो है वो कुछ अरसे के बाद आपके जो लिप्स का वो नेचुरल जो शेप होती है, आपके लिप्स नेचुरली उस साइड पे जाना शुरू हो जाती है। नंबर 3 ये है कि कुछ लोग अगर प्रोफेशनल किसी बंदे के पास नहीं जाती, या वो ओवरडू कर लेते हैं, यानी कि वो देर धड़ाधड़ लिप फिलर्स करवा रहे हैं, ठीक है, लगवा रहे हैं, तो उससे उनके लिप्स जो है वो डी शेप भी हो जाते हैं। डी शेप होने के अलावा उनके लिप्स के ऊपर झुरियां, रिंकल्स ही पड़ना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। सो ये तो सबको पता है कि हर एक चीज जो होती है उसमें म्याना रवि अख्तियार करना चाहिए। अगर आपने करवाना भी है तो म्याना रवि के साथ करें, और बाकायदा किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे पहले अच्छे से समझें कि आपके लिप्स किस तरह के हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ लोगों के ज्यादा अरसा निकाल जाते हैं, कुछ लोगों के कम अरसा निकालते हैं, तो हर बंदे का डिफरेंट होता है ये। लिहाजा सबसे पहले उनसे पूछें कि आपके जो फिलर्स हैं वो कितना अरसा निकालेंगे और कितने अरसे तक आपके लिप्स पफियर रहेंगे। अच्छा जी जनाब, बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लिप्स मिल जाते हैं उस तरह के जिस तरह से आपको चाहिए होते हैं। नंबर 2, आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट, पफियर और स्मूथ से नजर आना शुरू हो जाते हैं, बड़े यंग से लिप्स लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए इतना खर्चा किया है वो आप फिर प्यारे लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बारी आती है लिप्स को बड़ा करने के लिए नंबर 3 की, वो है लिप प्लम्पर। कि अगर आप लिपस्टिक के साथ शेप दे रहे हो वो भी एक मेथड है, अगर आप लिप फिलर्स लगवा रहे हो वो भी काफी एक्सपेंसिव है, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, ठीक है, वो है। लेकिन नंबर 3 जो है लिप प्लम्पर, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लिप ग्लॉसेस की सूरत में आपको मिल जाएंगे, आप घर बैठे बैठाए लगाते हो और इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसका बेनिफिट्स है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देती हूं कि ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है जो कि मैंने ऑर्डर की ब्यूटी ग्लेज से, ठीक है, डिरोल, और जनाब ये है एक नाइट ट्रीटमेंट है और एक है डे ट्रीटमेंट, और लिप केयर इसके अलावा ऊपर काफी सारा कुछ लिखा हुआ है, लिप एंड नाइट डबल इफेक्ट लिप प्लम्पर, और फिर इसके अलावा पेपरमिंट ऑयल इसके अंदर डाला गया है, फिर इसके अलावा इसकी एक्सपायरी भी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी वगैरह सब कुछ इज मेंशनड ओवर हियर, इफ माय कैमरा कैन टक 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 फोकस इट, ना ओदी मर्जी। अच्छा, ये जनाबे वाला मैंने ब्यूटी विलेज से परचेज किया था 850 के ऊपर, इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो 1300 है, 1300 है, लेकिन सेल चल रही है, अभी भी मैंने चेक किया इसके ऊपर सेल चल रही है, जो कि 850 रुपीज में आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसको हम करते हैं ओपन। ओपन करने के ऊपर ये देखें जी, इस तरह से अंदर से पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, और इस तरह से दो छोटे छोटे सी क्यूट सी इस तरह से है। ये जब मैंने ऑर्डर किया था, मंगवाया था ना, ये तब भी थोड़ा सा लीक हो रहा था यहाँ से, ये वाइट वाला, ठीक है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, हालांकि बहुत टाइटली मैंने इसको बंद किया फिर भी लीक होता है। सेकंड जो है वो ये वाला है,
ये है डे ट्रीटमेंट के लिए और ये है नाइट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी आप इंस्टेंटली लगाओगे अपने लिप्स के ऊपर तो इंस्टेंटली आपको इफेक्ट ये देगा फुलर लिप्स का, पफियर लिप्स का और स्मूथ लिप्स का सारा कुछ। तो 2-3 दफा इसको मैंने यूज किया हुआ है और आगे चल के बताती हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूं या नहीं, बल्कि आप लाइव रिजल्ट देखिएगा। अपने लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लिपस्टिक को कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनाबे वाला। आधे लिप्स के ऊपर मैं लगाऊंगी ये नाइट वाला और आधे लिप्स पे मैं लगाऊंगी ये डे वाला। सो पहले हम ये लगाते हैं इस तरह से। ये ना प्लास्टिक की बॉटल्स है आई गेस, ये सारा प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर ब्रश है जो कि आपने ये लगाना है, जो लिप ग्लॉस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, जब भी कोई आप लिप ग्लॉस लगाते हो ना, एकदम से एक इल्यूजन सा हो जाता है और वो उसकी वजह से आपके लिप्स ना वैसे ही थोड़े से बड़े बड़े लगना शुरू होते हैं, थोड़े से 19-20, ठीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा मैं सच कह रही हूँ, देख लें, अभी लिप ग्लॉस लगाया, थोड़ा सा ना ऐसे इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ दूसरी साइड पे ये जो कि है डे वाला। थोड़ा सा और लगाती हूँ, मुझे फील होता है कि कम आता है काम। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि इस साइड पे हमने डे वाला लगाया था और इस साइड पे हमने नाइट वाला लगाया था, ठीक है। अब साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसका किसके साइड इफेक्ट क्या है और बेनिफिट क्या है। साइड इफेक्ट नंबर 1 कि आपको ये चुभता है, बहुत ज्यादा लड़ता है, ठीक है। अभी फौरन से ना चुभना शुरू हो गया, जैसे इसकी चुभन ऐसी है। हालांकि इसमें ना इन्होंने बताया हुआ है कि पेपरमिंट ऑयल है और दूसरे वाले में इन्होंने बताया है कि इसमें जिंजर ऑयल है, जिंजर का कुछ है, ठीक है। और अब चुभने वाली चीज़ ऐसे, जैसे आपने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया हो और मिर्चें लग रही हो, उस तरह से फीलिंग आती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अभी ये कब तक स्वेल करता है लिप्स को। तो साइड इफेक्ट जो है इसका, पहला तो ये है कि आपको मिर्चें लगती हैं बहुत ज्यादा, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो परचेज कर लो। कुछ लोग हो सकता है कि इस चुभन को बर्दाश्त कर लें, कुछ लोगों को हो सकता है ये चुभन इतनी बर्दाश्त ना हो, तो ये डिपेंड करता है हर एक बंदे के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन काफी चुभन इसकी होती है, ठीक है। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए ना अपने हस्बैंड के लिप्स के ऊपर लगाया था एंड ही वाज लाइक, यार ये क्या लगा दिया, उतारो इसको जल्दी से उतारो, ये क्या लगाया। लेकिन मैंने जब खुद के लगाया तो थोड़ा सा ना मैं बर्दाश्त कर रही थी, शायद मैंने रिव्यू करना था तो इसलिए, लेकिन काफी ये आपके लिप्स के ऊपर चुभता है। साइड इफेक्ट नंबर 2 कि हम लोग जो इस तरह के लिप प्लम्पर्स लेते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये फॉर द टाइम बींग आपके लिप्स को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, पफियर बना देते हैं, प्लम्पर बना देते हैं। लेकिन जैसे वो समझ लो कि उनको फूक चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब उनकी फूक उतरती है तो आपके लिप्स क्या होते हैं, रिंकल्स उन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वो रिंकल्स इस तरह के नहीं है कि एकदम से फूक चढ़ी तो एकदम से रिंकल्स आ जाए और आपको प्रोमिनेंट नजर आए, ऐसे नहीं होता। जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, यानी कि डेली बेसिस पे अगर आप यूज कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपके लिप्स फूल रहे हैं, फिर श्रिंक हो रहे हैं, फिर फूल रहे हैं, कुछ श्रिंक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद डेफिनेटली आप लिप्स के ऊपर जल्दी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये भी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आपके लिप्स को डार्क भी कर देते हैं, ब्लैक भी बना देते हैं। मैंने 5-6 दफा इसको यूज किया है तो डार्कनेस का अभी तक तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि इसने मेरे लिप्स को ब्लैक किया, लेकिन पढ़ा है मैंने, अब पता नहीं सच है कि नहीं। वाला ये वाला, इसकी इस साइड पे चुभन बहुत कम है, लेकिन ये जो डे वाला है ना, सत्यानाश हो गया तेरा, इतनी कुछ चुभ रही है ना, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आप लोग ये जब भी लगाओ ना, तो ध्यान रखो कि आपके लिप्स के अंदर ना चला जाए, क्योंकि जुबान तक भी चुभता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लगाया था, मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से वर्क करता है, तो मैंने लगाया, उसके बाद पता नहीं किस तरह से वो अंदर चला गया मेरे, उनकी जो टिप होती है उसके ऊपर वो लग गया यहाँ पे, और वो चुभ चुभ के जनाब पता चले मुझे सही कि मेरी जुबान को भी मोटा कर देगा ये, ठीक। काम करे और आप लोग इसका डिफरेंस देख सकोगे, तब तक मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। फायदा एक है कि अगर आप लिप फिलर्स करवाने के बारे में सोच रहे हो और आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको लिप्स
बड़े अच्छे लगेंगे कि या नहीं लगेंगे। तो आप लोग पहले इसको परचेज कर लो, परचेज करने के बाद आप इस पे अपने फेस पे अपने लिप्स के ऊपर टेस्ट कर सकते हो कि आपके बड़े लिप्स में आप किस तरह से लगते हो, आपको बड़े लिप्स सूट करते हैं कि नहीं, अगर इसने वर्क किया तो। ठीक है, मतलब अगर आप लिप फिलर्स करवाने चाह रहे हो और आप चाहते हो कि हमने लिप फिलर्स ही करवाने हैं, तो लिप प्लम्पर को परचेज कर ले अच्छे वाला, अगर तो उसने रिजल्ट दिया तो डेफिनेटली यही वाला, अगर नहीं तो फिर वो परचेज कर लो। और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव लगाने से पहले एक दफा लिप प्लम्पर से आप देख लो कि आपके लिप्स का क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, अच्छा ये आप देखें कि जनाब मुझे ना ये वाली जो साइड है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा ना रेड, और थोड़ी सी देखें यहां से हील करें, यहां से इसकी निसरत ये वाली साइड जो है ना वो बोल अच्छा ये वाली जो साइड है ये मुझे थोड़ी सी ऐसे ऐसे आगे आगे लगना शुरू हो गई है, देखिए जरा ये देखिए। अच्छा अभी मुझे तो डिफरेंस यही फील हो रहा है कि ये वाली जो साइड है ये ज्यादा पफियर हो गई है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो क्योंकि इस पे चुभन भी ऐसी है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप कोई स्पाइसी खाना खाते हो एक दफा बस टेस्ट करना, जब भी कभी कोई बहुत मिर्चीला खाना खाओगे ना तो आपके लिप्स थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा कि वो थोड़े से ना बड़े हो गए हैं। ठीक है, और रेड भी ये हो रहा है क्योंकि मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई थी स्टार्ट में, कुछ भी नहीं था, और हल्का हल्का से जैसे रेड हो गया। और मेरे ख्याल से ये रेडनेस जो है वो इसी वजह से, जब भी कोई चीज आपकी जब चुभेगी डेफिनेटली मिर्चों वाले आपको फीलिंग देगी तो वो रेड भी होगा, तो मेरे ख्याल से ये उसी वजह से है। और जब वो चीज चुभती है, इरिटेट करती है, रेडनेस देती है, तो बड़ा भी आपके लिप्स को करेगी। तो मेरे ख्याल इसका फॉर्मूला ऐसा है, तो या फिर मिर्चा खा लो तो या फिर रेड ले लो, तुहाडी मर्जी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, आप इसको लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो, आप इसको लिपस्टिक से पहले भी लगा सकते हो, यानी कि अगर आप इस तरह से लगाया आपने, इसके ऊपर आप लिपस्टिक का शेड भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसके अलावा अगर आपने लिपस्टिक लगा ली है आप उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको जैसे लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, आपके लिप्स को इंतहाई सॉफ्ट करेगा ये तो पक्की बात है। वो वैसे भी है कि जब गुब्बारे में फूक चढ़ती है ना तो वो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है उस चीज को। ठीक है, तो ये भी जब आपके लिप्स को बड़ा करेगा, फूक चढ़ाएगा, तो बड़े सॉफ्ट से होंगे, बड़े यू नो वो मोटे मोटे जब लगेंगे ना, तो वो ये हिस्सा जो है ना ये जरा बाहर है और ये हिस्सा थोड़ा इतना बाहर नहीं है। और इसमें सच्ची बताऊं आपको, इसके निस्बत ना इसमें इस तरह की है वो चुभन के बिल्कुल फील भी नहीं है बोरी, लेकिन ये वाली साइड जो है इसमें फील हो रही है मुझे। ये जो इसकी चुभन है ये तकरीबन आप आधा घंटा रहती है, 25 से 30 मिनट रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ड्रेस्टिक चेंज नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है कि ये ड्यूप है। जो मैंने वायरल इनकी वीडियोस देखी थी उसमें तो वो लगाते हैं लिप्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर लगा के तो एकदम से इतने बड़े लिप्स दिखा देते हैं, लेकिन ये आपके सामने के इतने बड़े लिप्स नहीं इन्होंने दिखाए, और थोड़ा सा जो है ना आपके लिप्स को इसने बड़ा किया है, थोड़ा सा उसने वो दिया है, ये देख सकते हो आप अभी भी देख लो, मैं बातें भी कर रही हूँ, बातें देख करने में भी जरा गौर करें आप, और अगर मैं मुंह बंद करती हूँ जो कि मुश्किल है, ये देखें। तो बड़ा लग रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा बड़े लिप्स नहीं होंगे। अगर आपको वेट कर रहे हो ना आप कि अभी घंटा वेट करेंगे, घंटे के बाद डैम हो जाएगा, बहुत बड़े लिप्स हो जाएंगे मोनालिजा की तरह, तो वैसे नहीं होंगे। ठीक है, ये इतने ही रहेंगे और बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतनी लिप्स ही सिर्फ चाह रहे हो तो आप परचेज कर लो, आपकी मर्जी है, साइड इफेक्ट्स को माइंड में रखिएगा, बेनिफिट्स को भी माइंड में रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है जनाब, आप चाहें तो आप परचेज कर लें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, या किसी चीज का कोई रिव्यू चाहते हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको फटाफट से इसका रिव्यू दूं, कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।